जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज कोई कहानी नहीं है, आज मैं जीवन की वो सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो अक्सर सभी की जिंदगी में आ सकती है या आई होगी, जिसे हमको ना चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, पर सोचता हूं हजारों घर और लाखों जिंदगियां उजड़ने से बच जाएं तो मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है करे तो क्या करे। इस बेबसी के शिकार कहीं आप तो नहीं हैं? सज्जनों, एक सज्जन थे, उनकी बहन की 2 वर्ष पहले शादी हुई थी। वो लड़की पढ़ी लिखी विद्वान महिला थी। जीवन में उसने सदा प्यार और दुलार ही देखा था। अच्छी जगह शादी हुई, भरा पूरा इज्जतदार परिवार मिल गया। लड़की के मायके वालों ने सोचा कि लड़कपन की तरह ही इसके आगे का जीवन भी सुखी होगा। लड़की के पति तो एकदम भले मानुष थे। पति की मां कुछ रूखे स्वभाव की थी। जीवन की तकलीफों ने उन्हें कुछ कटु बना दिया था। पुराने वातावरण में पली बड़ी थी, इसलिए बहू पर अधिकार और शासन की भावना उनके मन में थी। वैसे वे कुछ बुरी नहीं थी, पर वे जो कुछ भी कहती थी कुछ रूखे ढंग से कहती थी। पर क्या था, उनका यही स्वभाव बहू को बुरा लगता था। बहू चाहती तो बहुत थी कि चुप रहूं और हंसकर सहन कर लूं, पर वो वैसा नहीं कर पाती थी। उसका मन भी जवाब देने को बेचैन हो जाता था। कितना भी जीभ दबाने का प्रयास करती पर एक दो शब्द तो निकल ही जाते थे। वे शब्द भावनाओं के ढेर में ऐसे लगते थे जैसे बारूद में चिंगारी लगती है, जरा सी चिंगारी और एक भयंकर विस्फोट। सुंदर वस्तुएं गंदी राख में बदल जाती। यहां यही हुआ था, 2 शब्द ना चाहते हुए भी जीभ से निकले और झट 2 से 4, 4 से 16 हो गए। इसी तरह तब तक बढ़ते गए जब तक आसपास का संपूर्ण जीवन दुख और हाहाकार से भर नहीं गया। बहू बोली, मां आप तो झूठ ही बात बात में बिगड़ती हैं। सास कहने लगी, बाप रे बाप, तुझे तो सीधी बातें भी टेढ़ी लगती हैं। आने की देरी नहीं हुई और झगड़ने लगी। बहू ने कहा, मैंने आखिर क्या झगड़ा किया? बिना कुछ बताए ही आप दोष लगाती हैं। सास बोली, नहीं नहीं, झगड़ालू तो मैं हूं, तू तो सीधी सादी सावित्री है। लड़के को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, सोचती थी बहू आएगी मेरा भाग खुल जाएगा, सेवा करेगी। पर यहां तो किस्मत ही ऐसी है कि सोना छुओ तो मिट्टी हो जाए। जब किस्मत ही खोटी है तब तू कल की छोकरी मुझे शिक्षा दे तो कौन सी बड़ी बात है। इन झगड़ों में बेचारा पति क्या करता? क्या वो अपनी मां को घर से अलग कर देता? क्या वो बहू को निकालकर बाहर करता? ये स्वभावगत दोष थे और तर्कों से इनका निराकरण नहीं हो सकता था। बहुत दिनों तक पति ने वही किया जो अक्सर पति लोग करते हैं, यानी स्थिति से भागता रहा, सुनी अनसुनी करता रहा। पर दुर्भाग्य से कोई कब तक भाग सकता है? जब भी घर आता तो एक और पत्नी की क्रोध भरी आंखें उसके ऊपर टूट पड़ती थी, जिनके साथ साथ कभी कभी आंसुओं का तूफान भी होता था। दूसरी ओर रोती हुई मां और मां की ओर से व्यंगों की बौछार उसके मौन का स्वागत करती थी। बहू और मां दोनों अपने कर्म ठोकती थी। एक सोचती कि किसके पाले आ पड़ी, दूसरी कहती भाग्य में बहू की गुलामी ही लिखी थी। बहू सोचती कैसे सुंदर सपनों से भरे लड़कपन और किशोर अवस्था के दिन थे, वो मां का दुलार, वो बहनों का प्यार, वो पिता का स्नेह, भाइयों की ममता, सहेलियों की छेड़खानियां, इतनी बातें मुझसे कभी किसी ने नहीं कही। और बे हैं कि चुप हैं, जब मेरी इज्जत नहीं रख सकते थे तो क्यों लाए ब्याह कर? क्या मां की सेवा के लिए लड़कियां नहीं मिल सकती थी? खाएं और पड़ी रहें, मेरा ही खाना और मुझी पर हुक्म चलाना, हाय मेरा कर्म फूट गया। वे तो सुनते हैं और चुप हो जाते हैं।
क्या मैं मिट्टी का ढेला हूं? क्या मुझ में जान नहीं है? रहे उनके साथ, उनके लड़के हैं, मेरा कौन है? मैं तो पराई हूं। दोस्तों, इस तरह की हजार बातें जिन्होंने मधुमक्खी की तरह पीछा किया और डंकों से हृदय को छलनी कर दिया। उधर मां सोचती, वही लड़का है जो मेरे सामने आंख नहीं उठाता था, अब सब देखता है और चुप रहता है। बहू के आगे मां को भूल गया, कैसे कैसे कष्ट से मैंने इसे पाला, न दिन देखा न रात, आज मेरा कोई आसरा नहीं रहा, आज ये दुर्दशा हो रही है। कभी बहू को नहीं डांटा, नहीं तो उसकी क्या मजाल थी जो यूं जाल फैलाती। अरे सब मिली भगत है, जब बुरे दिन आते हैं कौन किसका होता है। हे भगवान, मुझे जल्द उठा लो, यहां कोई नहीं है मेरी सुनने वाला। दोस्तों, इसी तरह के दुखद भाव जो हमारे विवेक को चारों ओर से जकड़ लेते हैं, जैसे मकड़ी अपने शिकार को जाल में कसती है, यहां तक कि उसे बेबस और निष्प्राण भी कर डालती है। बेचारा पति इन चक्कियों में पिसते पिसते निरुपाय हो गया। दोस्तों, एक दिन फिर विस्फोट हुआ, मां से लड़ाई हुई, फिर बहू से उसने कह दिया, तुमने मेरा जीवन नरक बना दिया है, अपने मायके जाओ और मुझे शांति के साथ मरने के लिए छोड़ दो। दोस्तों, झगड़ों में रहते रहते बहू का स्वभाव भी इतना खराब हो गया था कि उसने पति से भी कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और यहीं रहूंगी, देखे मुझे कौन यहां से निकालेगा। आपको मेरे पास शांति ना मिले तो चाहे जहां चले जाइए। दोस्तों, अब तीनों एक दूसरे को कोसते हैं, तड़पते हैं, छटपटाते हैं, पर इस झगड़े से दूर नहीं होते, उस नरक की अग्नि से जिससे कोई छुटकारा नहीं देता। सब जलते हैं और दूसरों को जलाते हैं, बात बहुत आगे निकल जाती है, दोनों ही अपना पक्ष रखते हैं, एक की सुनो तो उसकी बात सही लगती है और दूसरे की सुनो तो उसकी भी बात सही लगती है, दोनों ही सच्ची बातें कहते हैं। पर इन सब बातों के बीच एक बात निश्चित थी कि दोनों ने एक दूसरे से जिस सुख की आशा की थी वो पूरी नहीं हुई, उनके सपने टूट गए थे और जीवन में कड़वाहट भर गई थी। बात नहीं बनी तो घरों के साथ दिल भी टूट कर बिखर गए। कुछ साल अदालत के चक्कर लगाए, किसी का तलाक हुआ तो किसी का फैसला, किसी को जेल हुई तो किसी का घर जला, यही है जीवन की वो कड़वी सच्चाई। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसके विपरीत सुना रहा हूं, यदि समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। करुणा एक साधारण मां बाप की बेटी थी, उसका विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, उसका पति एक अध्यापक था, इसलिए उसकी मां उसकी दूसरी जगह से शादी करना चाहती थी, पर लड़के की इच्छा और कुछ परिस्थितियों के कारण इसी करुणा से शादी हो गई। मां तो पहले से ही फूली हुई थी, इसलिए उन्होंने बहू का हार्दिक स्वागत नहीं किया। जब बहू ने यह स्थिति समझी तो पति से कहा, अजी सुनते हो, मैं पहले मां की सेवा करके उनका हृदय जीत लूंगी, तब दूसरी बातों की ओर ध्यान दूंगी, यदि इस बीच आपकी सेवा में कुछ कमी रह जाए तो मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी हूं अतः आपके साथ तो हमेशा रहना ही है, पर मां को मेरे कारण अगर असंतोष हुआ तो घर की शांति नष्ट हो जाएगी। सज्जनों, उसी दिन से पत्नी अपनी सास की ओर विशेष ध्यान देने लगी। मां ने शुरू में कुछ जली कटी सुनाई, बहू ने भोजन बनाया तो उसमें कुछ ऐब निकाले, पर बहू ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बहू कहने लगी, हे मां, मैं अभी बच्ची हूं, आपके चरणों में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, पर आप आज्ञा करती रहेंगी और मुझे सिखाती रहेंगी तो मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। दोस्तों, पत्नी जो कुछ भी करती थी वो पहले अपनी सास से पूछती थी, मां यह काम कैसे करूं, मां के हाथ पैर दबाती, उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखती थी। दोस्तों, इस तरह से थोड़े दिन में ही मां पानी पानी हो गई, उनकी जुबान पर सदा बहू के लिए आशीर्वाद और प्रशंसा के शब्द निकलते रहते थे। वो बेटे से भी कहती, बेटा तुझे पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिली है, मैं अंधी थी, मैं उसे समझ ना सकी, आज ये कुटुंब बहू की वजह से ही परम सुखी है,
मोती की लड़ी की तरह एक में गुथा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में संस्कारता की आवश्यकता शिक्षा से अधिक है। यह मत समझो कि कड़वी बातों का जवाब देने को उतावली जिभ्या को कंट्रोल में करके तुम दूसरे पर उपकार कर रही हो। ऐसा करके तुम दूसरे का नहीं अपना ही भला कर रही हो, अपने सुखी घर का निर्माण कर रही हो। यदि तुमने कटुता का उत्तर कटुता से दिया तो इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। क्रोध वो विष है जो दूसरे को मारने से पहले क्रोध करने वाले को ही मारता है। दुख और वेदना का आगमन जीवन में होता ही है। कठिनाइयां तो जीवन में आती ही हैं, बुरे दिन भी आते हैं, पर वहीं पर जीवन का अंत नहीं होता। दुखों के बाद भी जीवन पनपता है। मृत्यु और दुखों पर जीवन की विजय ही सत्य है। वो आपको अपनी बुद्धिमता से तय करना है कि इस दुख में जीवन को सुख में कैसे बनाएं। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने यदि वास्तविक आपको कुछ शिक्षा दी हो तो लाइक करके दूसरों को शेयर अवश्य करना। आपका जीवन मंगलमय हो। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।